लाइट चल गई है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रोफेसर आपको देख रहे हैं टीवी से, आपका स्वागत है। हम आपको बता दें जनता एक ऐसा मंच है जहां पर निकाय चुनाव की सरकार में दावेदारी करने वाले लोग चर्चा करते हैं। हम आपको बता दें ऐसे शख्स से हम बात करने जा रहे हैं जो अपनी राजनीति में सिर्फ समाज की सेवा ही की और बदले में उसको एक धोखा मिला। कभी कोई स्वार्थ नहीं रहा और लगभग मैं समझता हूँ कि अकबरपुर की जनता कहे कि हाजी अकमल उस युग सभी ना नाजरीन बेगम जी जो प्रत्याशी पूर्व रही, रनर प्रत्याशी रही पूर्व के निकाय चुनाव में। आपको बता दें कि बसपा से टिकट चाह रहे थे लेकिन उनको दुर्भाग्यपूर्ण टिकट नहीं। उस समय टिकट काटने का एक जो आरोप लगा था मौजूदा विधायक वर्तमान में पूर्व मंत्री रामाचल राजभर जी जो अकबरपुर से विधायक हैं, आज जो कल तक बसपा में रहते थे वो आज सपा में। निश्चित तौर से हाजी अकमल जुगनू किस तरीके से हाशिए पर लाके यहाँ के मतदाताओं का कहे हाजी अकमल जुगनू वो नाम है वो सच है जो अकबरपुर नगर पालिका के चुनाव में चुनाव के नियत से पद के लालच से नहीं। कोरोना वो समय रहा जब लोग घरों में दुबके हुए थे तो हाजी अकमल उर्फ जुगनू ऑक्सीजन सिलेंडर और जरूरतमंदों को राशन उपलब्ध कराते हुए नजर आए, बीमारी को अपने हाथों से दूर भगाते हुए नजर आए। एक तरीके से हम बात कर रहे हैं वो शख्स जो समाज सेवा ही उसकी मकसद है, चुनाव पद ये नहीं। हाजी अकमल जी का स्वागत हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। समाजवादी पार्टी से प्रबल दावेदार माने जा रहे थे लेकिन बीती शाम जो सूची जारी की गई जिसमें जो है एक तरीके से माना जाए हाजी अकमल जी जुगनू के नाम कटने के बाद पूरे जिले के समर्थक हाजी अकमल जुगनू की भावना और उनके कामों को लेकर बड़े आक्रोश। टांडा अकबरपुर नगर पालिका क्षेत्र के मतदाता इस समय आक्रोश में हैं। आज हमारी कई लोगों से बात हुई तो वो आक्रोश कि हाजी अकमल जो निष्ठावान कार्यकर्ता हैं और काम करने वाले व्यक्ति हैं उनको टिकट न देकर सपा ने एक चहेते को प्रत्याशी बनाने का काम किया। ऐसे में हमारे इस मामले में टिकट न मिलने के बाद क्या कहना हाजी अकमल जुगनू का हम बात कर रहे हैं। अकमल जी प्रतिनिधि सभा में स्वागत है, क्या कहना चाहेंगे समाजवादी पार्टी के द्वारा बीती शाम टिकट सूची जारी की गई निकाय प्रत्याशियों की उसमें नाम कट गया, क्या कारण है, क्या कहना चाहेंगे इसमें? उसमें कारण बस इतना ही है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने मुझे 5 साल चेयरमैन कहकर और उनका कहीं कहीं से आशीर्वाद हमारे सर पे था और है भी। उनकी तरफ से हमको कोई ठेस नहीं है, उनकी तरफ से हमें कोई शिकवा गिला नहीं है, उन्होंने जो कहा था वो निभाया। लेकिन यहाँ के विधायक जी ने माननीय रामाचल राजभर जी ने वहाँ जाकर एक चेयरमैन टिकट के लिए ये बैठ गए और बैठ इस तरीके से गए कि उनकी प्रतिष्ठा लग गई कि जो है हम चेयरमैनी का टिकट लेंगे और उनको कहीं न कहीं से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनकी बात को रखने के लिए टिकट जरूर दे दिया लेकिन उनका प्यार आशीर्वाद हमारे साथ है। लेकिन यही रामाचल राजभर आज नहीं इसके पहले मैं चुनाव लड़ रहा था तब भी हमारे टिकट को इन्होंने ही कटवाया था और इसलिए कटवाया था कि ये मुस्लिम समाज का बेटा, ये गरीब परिवार का बेटा, कहीं न कहीं अगर कुछ बन गया तो हमारे बराबर इसकी कुर्सी लगेगी और ये विधायकी में कहीं न कहीं से हमारा नुकसान होगा। इसलिए मुझे नेता बनने से इन लोगों ने कई रास्ते पे कांटे बिछा दिए, तो नेता बनने से हमेशा कांटे में इन लोग रास्ते में कांटे बिछाते रहते हैं।
पहली बार भी बिछाया, दूसरी बार भी बिछाया, इसके पहले भी एक चुनाव हमारे परिवार के लोगों ने लड़ा था, उसमें भी इन्होंने लालीपॉप दे करके फिर टिकट काट दिया था, ये तीसरा वाकया है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, इनको डर है कि हाजी अकमल जुगनू अगर चेयरमैन बन गया तो समाज सेवा करेगा, जनता की खिदमत करेगा, गरीबों की मदद करेगा, इसलिए हमारी राजनीति फीकी पड़ जाएगी। तो साथियों, मैं अपनी जनता से यही कहना चाहता हूँ कि ईमानदार आदमी के लिए बहुत अड़चनें आती हैं, लेकिन नहीं, अड़चनें ज़रूर आएंगी, लेकिन एक ना एक दिन आदमी सफल ज़रूर होगा। और मैं इनको चुनाव 5 बार जो ये कहते हैं मुझे तजुर्बा है राजनीति का, मैं कहता हूँ कि इनको 25 साल का तजुर्बा नहीं, 5 दिन का तजुर्बा नहीं है। जो इंसान दूसरे से एलर्जी रखे, जो इंसान दूसरे के बारे में गलत सोचे, उसको कौन को कहेगा तजुर्बा भाई, क्या कहेगा? समाज सेवा मैं कर रहा हूँ, जनता सेवा मैं कर रहा हूँ, टिकट किसी और को दे रहे हो, क्या मतलब है भाई, क्यों दिला रहे हो? जिस प्रत्याशी ने समाजवादी पार्टी में कभी मीटिंग में नहीं आई, कभी कोई प्रोग्राम में नहीं आई, कभी कोई प्रोग्राम में जनता को लेकर नहीं आई, आज उसको आप प्रत्याशी बना रहे हो, इसलिए आपका एक छत्र राज है। आप कहते हो मैं 6 बार का विधायक हूँ, आप कहते हो कि मैं नेता हूँ, मैं राष्ट्रीय नेता हूँ, तो राष्ट्रीय नेता इसको नहीं कहते, राष्ट्रीय नेता उसे कहते हैं कि हर आदमी को मौका दिया जाए, हर आदमी का सम्मान किया जाए, हर आदमी के दुख दर्द में काम आए। इसी कोरोना काल में आप 25 साल के कहते हैं विधायक हैं, 6 बार के विधायक हैं, किसी समाज सेवा को, किसी परेशान व्यक्ति को आपने कोई मदद नहीं की, कौन से विधायक हो आप? अपने मतलब से, गलत से आप चुनाव जीतते हो। और मैं आपको कहता हूँ कि आप अगर बहुत बड़े नेता हैं, बहुत बड़े नेता हैं, तो आप सिंबल हटा दीजिए और टिकट मत लीजिए किसी पार्टी से, तब मैं जानूँ कि आप नेता हैं। ऐसे भी नेता हैं जो जेल में रहकर चुनाव जीतते हैं, जो निर्दल रहकर चुनाव जीतते हैं, जिनके पद मैं तब समझूंगा कि आप नेता हैं, अभी मैं आपको नेता नहीं मानता हूँ। और आप जो भी कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज के बेटे को आप दबा रहे हैं, आप कहीं ना कहीं गरीब परिवार के बेटे को आप दबा रहे हैं, ईमानदार आदमी के लिए आप रास्ते में कांटे बिछा रहे हैं। ये दो नेता इसीलिए बहुजन समाज पार्टी से निकाले गए, क्योंकि लोगों ने बहुजन समाज पार्टी में बहुत दिन से काम किया, बहन जी बहुत जानकार हैं, बहन जी सब कुछ जानती हैं, अगर बहन जी के साथ इन लोगों ने धोखा न दिया होता तो इनको बहन जी पार्टी से ना निकालती। आप निकाल के आए हैं, आपने बहुजन समाज पार्टी को ख़त्म कर दिया, और वही हाल आज यहाँ अम्बेडकर नगर में पूरे समाजवादी के लोग परेशान हैं। आप आके वही तिकड़म यहाँ भिड़ा रहे हो, वही जो है गुटबाजी कर रहे हो, वही कहीं ना कहीं से सबका नुकसान कर रहे हो। आपने बता दीजिए, जब से आप आए हो किसी समाजवादी के वर्करों को सम्मान दिया, किसी बूथ अध्यक्ष से लेकर विधानसभा अध्यक्ष तक किसी का सम्मान दिया हो? बताइए अपने चुनाव में किसको सम्मान दिए? हर व्यक्ति, हर समाजवादी का वर्कर आपसे नाराज है। क्यों नाराज है? क्योंकि आपकी विचारधारा गलत है, आपकी सोच गलत है, आपकी नीयत गलत है, इसलिए लोग नाराज हैं। वरना आप नए नए आए थे, जितने वर्कर थे यहाँ पे समाजवादी पार्टी में, जो भी बूथ से लेकर के विधानसभा और लोकसभा, विधानसभा और जिले में कमेटी है, सब आपसे खुश रहते। आज आपसे कार्यकर्ता 10% नहीं खुश है। मैं चैलेंज देकर कहता हूँ, आपके अंदर भावना आपकी गलत है, आपके विचार गलत हैं, आपकी सोच गलत है। आपकी सोच ये है कि जितने में रहूँ सब कुछ हम ही रहें। आपने ग्रुप बंदी कर दिया, आपने यहाँ पे गुट बजाम बना लिया, वो तो हमारे राममूर्ति वर्मा जी की देन है कि जो यहाँ से आप विधायक हो गए माननीय जी, मैं आपको खुले लफ्जों में कह रहा हूँ, वरना आप 3 दिन पहले विधायक ना हो पाते। आपकी जो छवि है पूरी जनता जानती है, पूरे लोग जानते हैं। और आप अच्छे व्यक्ति ऊपर दाग लगाएंगे जिसने 25 सालों में आपके साथ रहकर 5 नया कभी आपकी मदद ना ली हो? कभी आपने मेरी मदद किया? 25 साल मेरा शोषण किया आपने, लेकिन मैं चुप रहा कि जाने दीजिए विधायक हैं। आप अपनी नज़र सही करिए, आप अपने विचार सही करिए, आप अपनी नीयत सही करिए, वरना आप समाजवादी को भी बिगाड़ने यहाँ आए हैं। मैं जनता से यही अपील करूँगा कि आपका भाई, आपका बेटा, आपका सेवक हाजी मोहम्मद अकमल जुगनू, जब समय आया जनता की सेवा करने के लिए, तब आपने मेरे टिकट को काट दिया। वरना आज इतना जनता मेरी खुश होती कि मैं यहाँ से 10,000 वोटों से जीतता, लेकिन टिकट मुझे आपने काट दिया। थोड़ी सी मुश्किल ज़रूर आई है, लेकिन जनता मेरी नहीं कटी है, जनता मेरी आज भी बरकरार है। आज मेरे पास सुबह से लेकर कल से लेकर आज भी मेरे 1,000 फोन आ चुके हैं, हाजी साहब आप आगे रहिए, मैं आपके साथ हूँ। मैं कहीं न कहीं से मैं पूरा आपका, आप ही ने करवाया, मेरे टिकट को कटवाया है। वरना यहाँ का समाजवादी का वर्कर, समाजवादी के जितने पदाधिकारी हैं, समाजवादी के नेता 100% हमें चाह रहे थे और आज भी हमारे साथ हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, मैं अपनी जनता से अपील करना चाहता हूँ कि जब कोरोना काल था तो आप कहाँ थे?
कितने लोगों की मदद किया, और मैं कोरोना काल को छोड़िए कितने लोगों को मदद किया, आपने मुस्लिम समाज के लोगों को मुकदमा करवा कर फर्जी जेल में डालने का काम किया है। जब बसपा शासन था आपका, तब मुकदमा करवा के आपने जेल में डालने का काम किया, कितने लोग निर्दोष बेगुनाह आज जेल काट रहे हैं। रामचल राजभर जी, मैं आपके बारे में पूरी 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 कहानी जानता हूँ, लेकिन अभी तक बोल इसलिए नहीं रहा था, जाने दीजिए, बड़े नेता हैं, सम्मान करिए। लेकिन जब हमारी बारी आई चुनाव जीतने की, तो आपने मेरे साथ इतना धोखा दिया, और अभी हाल ही में कहते हैं हाजी साहब मैं आपके साथ हूँ, चेयरमैन साहब आइए, लालीपॉप दे रहे हो मुझे। मैं आपके विचारों को समझ रहा हूँ, मैं आपके दिमाग को समझ रहा हूँ, मैं आपकी कहानी जानता हूँ पूरी, कि आप किस क्वालिटी के हैं। आप अपने से अच्छा किसी को नहीं समझते, आप अपने से अच्छा किसी को नहीं समझते। आपने कहा 30 साल का मुझे एक्सपीरियंस है, तो माननीय रामचल राजभर जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हटा दीजिए टिकट, हटा दीजिए सिंबल, और आप जीत जाइए कहीं से, मैं जिंदगी भर आपका जूता सीधा करूंगा। राजनीति में हाजी साहब निकाय चुनाव का नामांकन की तिथि 24 तक है, ऐसे में चुनाव क्या निर्दलीय मैदान में होंगे या पार्टी किसी से कुछ? मैं भाई जब इन्होंने अगले बार मेरा टिकट काटा था तो मैं निर्दल चुनाव लड़ा था, और मैं जनता की दुआओं से, जनता के आशीर्वाद से दूसरे नंबर पे था, थोड़ी वोटों से हार गया, कहीं ना कहीं कमी रही होगी। इसके पहले इन्होंने 2012 में रमेश सेठ को भी चुनाव लड़ाया था और 3200 वोट पाए थे, हाथी निशान, वो हाथी समर्थक के निशान पे लड़ाया था, 3200 वोट पाए थे। मैं इनको पूरी तरीके से जानता हूँ ये क्या कर सकते हैं। इनकी विचारधारा है कि समाजवादी पार्टी का चेयरमैन यहाँ ना बने, दूसरा बन जाए, इनकी सोच ये है। एक तरीके से माना जाए हसीये पे पार्टी को ले जा रहे हैं, ये पार्टी को पूरी खत्म करना चाहते हैं। जो इनका अंदाज है राजनीति करने का, जो इनकी विचारधारा है, जो इनकी सोच है, वो समाजवादी पार्टी को कहीं कहीं से नुकसान पहुंचाने का काम करेगी। क्या किसी पार्टी में मतलब निर्दलीय चुनाव लड़ना पूरी तरह तय है आपका? मैं समाजवादी में हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्यार हमारे साथ है, समाजवादी में रहूँगा, और समाजवादी के जितने पदाधिकारी हैं बूथ से लेकर जिले तक के सब हमारे साथ हैं, सबका आशीर्वाद हमारे साथ है, सबकी दुआएं हमारे साथ है, और हमारी जनता हमारे साथ है। इंशाल्लाह अगर जनता ने मौका दिया तो राजनीति की परिभाषा बताऊँगा कि राजनीति की परिभाषा क्या होती है। धन्यवाद। हमारे साथ बात कर रहे थे हाजी अकमल उर्फ जुगनू, उन्होंने भावनात्मक अपील की, उन्होंने कहा कि मेरे साथ धोखा हुआ है, मैंने 25 साल काम किया रामचंद्र राजभर पूर्व मंत्री जो है अकबरपुर विधायक, लेकिन उन्होंने अपने निजी स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए, उन्होंने आरोप लगाया कि निजी स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए उन्होंने टिकट काट दिया और एक तरीके से मुस्लिम विरोधी होने का आरोप लगाया है। खैर जो भी हो, नगर पालिका के चुनाव में समाजवादी पार्टी की सूची आने के बाद, हाजी अकमल के सूची में नाम ना होने के बाद, पूरे नगरपालिका अकबरपुर में हमारी जो बातें हुई लोगों में आक्रोश व्याप्त है। ऐसे में हाजी अकमल जुगनू अपने समर्थकों से वार्ता करके आज जो है चुनाव मैदान में उतरे हैं और निर्दलीय रूप में एक बार फिर चुनाव मैदान में होंगे। खैर जो भी हो, चुनाव अकबरपुर नगरपालिका की कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। एक बार फिर नाजिम बेगम पत्नी हाजी अकमल निश्चित तौर से चुनाव मैदान में लोगों को चुनौती में नजर आएंगी। मैं प्रोफेसर श्रीवास, तो TV7 न्यूज़ योगेश गुफरान के साथ हम बैठे। नगर पालिका परिषद अकबरपुर से नाजरीन बेगम प्रत्याशी, नाजरीन बेगम को अपने कीमती वोट देकर के सभी साथियों से निवेदन है कि विजयी बनाए और आप नगर के विकास के लिए हमारा सहयोग करें। ये आपका बेटा, आपका सेवक, आपका खादिम हाजी मोहम्मद अकमल जुगनू आपसे गुजारिश कर रहा है, निवेदन कर रहा है। आदाब दोस्तों, मैं अजय कशोधन, नगर पंचायत इल्तिफातगंज, अध्यक्ष पद प्रत्याशी पति रेणु देवी, मैं आप सभी को बाबा भीमराव अम्बेडकर जयंती एवं रमजान माह की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। मैं सभी से अपील एवं अपेक्षा करता हूं कि आने वाले 11 मई चुनाव में आप सब रेणु देवी का सहयोग करिए, हमें आप सभी से यही अपील है। धन्यवाद।